ये है भारत का अचूक शस्त्र जिससे पाकिस्तान थर्राता है और चीन घबराता है। कम दूरी की रैमजेट इंजन युक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, लड़ाकू विमान से या फिर जमीन से दागा जा सकता है। इसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी को मिलाकर रखा गया है, ब्रह्मोस। अभी इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। इसकी जद में पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा और चीन के कई इलाके आते हैं, लेकिन जल्द ही इसकी मारक क्षमता डबल होने जा रही है। फिर ये पलक झपकते ही 600 किलोमीटर के रेडियस में दुश्मन को टारगेट कर तबाह कर पाएगी। रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मिलकर इस ओर तेजी से काम शुरू कर दिया है कि इस अचूक और बेहद खतरनाक मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाकर 600 किलोमीटर किया जाए। वैसे रैमजेट इंजन की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर किसी मिसाइल की क्षमता 100 किलोमीटर दूरी तक है तो उसे रैमजेट इंजन की मदद से 320 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ध्वनि के वेग से करीब 3 गुना अधिक 2.8 मैक गति से लक्ष्य पर प्रहार करती है। इसके दागे जाने के बाद दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता। ब्रह्मोस को दिन और रात कभी भी हर मौसम में दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता बेहद अचूक है। पाकिस्तान क्या, हमारे पड़ोसी चीन के पास भी अभी तक ऐसी मिसाइल नहीं है जिसे जमीन, समुद्र, आसमान कहीं से भी दागा जा सके। अगर भारत की रूस से दोस्ती ऐसी ही चलती रही तो जल्द ही ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल होगी जो हाइपरसोनिक गति से उड़ने की महारत भी हासिल कर लेगी।